Hello students of class 10, now warm welcome once again in my class. Now today I'll present you a new chapter in syllabus of class 10, the rise of nationalism in Europe. Then this class is introductory. I'll give you introduction about the rise of nationalism in Europe, क्योंकि किसी भी चैप्टर को समझने के लिए आवश्यक है कि उसकी पृष्ठभूमि बैकग्राउंड को थोड़ा बेहतर ढंग से समझें। अगर उसे हम ठीक से समझ लेते हैं तो आगे जो विषय है उसके जो डिफरेंट आस्पेक्ट और सब्जेक्ट्स हैं उसे समझने में काफ़ी आसानी होती है। तो शुरू करते हैं। राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, द फैक्टर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन दिस चैप्टर इज दैट nationalism. What is nationalism? You have earlier really well aware of the fact it is a strong and deep bonding with nation. What is nationalism? Nationalism is a strong and deep bonding with nation, and this bonding is based on feeling of belongingness एंड टुगेदरनेस टुवार्ड्स अपने राष्ट्र के प्रति जो जुड़ाव है जिसका हम अनुभव करते हैं, जो हमारी अवधारणाओं में हमारे विश्वासों में है वास्तव में, है ना, यही जो है ये जुड़ाव जो हमें उत्पन्न होता है इसके कारण हम एक दूसरे से जुड़ जाते हैं काफी गहरे। यही गहरा जुड़ाव जो है वास्तव में जो नेशन के प्रति होता है, राष्ट्र के प्रति होता है, वो राष्ट्रवाद कहा जाता है। दैट मीन्स नेशनलिज्म इज ए स्ट्रॉन्ग एंड डीप बॉन्डिंग विथ नेशन विच इज बेस्ड ऑन बिलीफ फीलिंग्स एंड बिलीफ्स ऑफ बिलोंगिंगनेस एंड टुगेदरनेस टुवर्ड्स ऑन नेशन। इस तरह से राष्ट्रवाद को हम आसानी से समझ सकते हैं। इसमें एक व्यक्ति विच बिलीव्स इन नेशनलिज्म remains ever ready to do good for its nation, for the well-being of the nation, and even ready to sacrifice himself or herself for the cause and concern of the nation. राष्ट्र के नाम सब कुछ बलिदान करने के लिए भी तैयार रहता है वह व्यक्ति जिसकी अगाध श्रद्धा, अगाध विश्वास, काफी गहरा विश्वास राष्ट्रवाद में, जो राष्ट्र से गहरे प्रेम करता है। वास्तव में जब समूचा यूरोप पिछले कई सदियों से डाइस्टिंग इंपेरियलिस्टिक रूलिंग सिस्टम में बंधा था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद यूरोपीय समाज में बदलाव की एक बयार, बदलाव की एक हवा चली, और इसमें सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट हुआ वो लिबरल जो है पॉलिटिकल कंसेप्ट्स के सपोर्ट में हुआ। अब निरंकुश शासन एब्सोल्यूटिस्ट रूलर्स जो ट्रेडिशनल रूलर्स थे उनके रूलिंग सिस्टम, रूलिंग कंसेप्ट में बिलीव करने वाले लोग नहीं थे। नो डाउट देयर वाज रिएक्शनरी फोर्सेस प्रेजेंट इन यूरोप इवन आफ्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन इवन अर्ली 19th सेंचुरी एट एन अंडर करेंट वाज फ्लोइंग इन यूरोपियन सोसाइटी विच वाज वेरी मच एंग्सियसली वेटिंग फॉर ए चेंज इन द सोसाइटी एंड पॉलिटी based on the liberal concept of the politics. ये जो लिबरलिज्म पॉपुलर हो रहा था डिफरेंट नेताओं के द्वारा, समाज सुधारकों के द्वारा, फिलोसफर्स के द्वारा कह ले यूरोप के विभिन्न भागों में, अब उसकी जड़ें जो है काफी गहरी हो चुकी थी। दैट्स वाई इन 1848 इन फ्रांस थर्ड टाइम देयर वाज ए रिवॉल्यूशन। फ्रांस में तीन रिवॉल्यूशन होते हैं। पहला जो शुरू होता है 1789,
दूसरा जो है 1831 और तीसरा 1848 जो वास्तव में एक लिबरल रिवॉल्यूशन है जिसमें वहां के जो ट्रेडिशनल ऑटोक्रेटिक जो रूलर्स थे जो उसको हटा करके लिबरल कंसेप्ट पर आधारित राष्ट्र की स्थापना के उद्देश्य से क्रांति हुई थी। हालांकि इसका भी परिणाम कुछ कुछ वैसा ही हुआ जैसा कि फर्स्ट जो है रिवॉल्यूशन के समय हुआ था कि शुरू शुरू में तो क्रांति के सिद्धांतों पर आधारित सरकारें आती है और बाद में फिर क्या है इसी क्रांति से पैदा हुआ नेपोलियन बोनापार्ट जब सत्ता में आता है तो अपने आप को वह फिर से 1804 में वहां का राजा घोषित कर देता है। यानी वंस अगेन देयर वाज अ मोनार्की एस्टैब्लिश्ड इन फ्रांस। यही बात 1848 में फ्रांस में फिर से दोहराई जाती है। कहते ना हिस्ट्री रिपीट्स, तो हिस्ट्री रिपीटेड इन फ्रांस। 1848 में वहां लिबरल रिवॉल्यूशन होते हैं, पुरानी सत्ता जाती है, नए चुनाव पर आधारित जो है वहां शासक आते हैं, नेपोलियन थर्ड वहां का जो है वास्तव में एडमिनिस्ट्रेटर बनता है, लेकिन कुछ समय के बाद ड्यू टू हिज स्ट्रांग होल्ड ऑन द स्टेट मैटर्स एंड फ्लोरसिंग पॉपुलरिटी अमंग द मासेज वंस अगेन ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ द किंग ऑफ फ्रांस। यही नेपोलियन बोनापार्ट ने भी किया था, अपनी लोकप्रियता को भुनाते हुए जनता में जो काफी लोकप्रिय था उसने अपने आप को जब किंग घोषित कर दिया फ्रांस की जनता ने विरोध नहीं किया। ठीक वही 1848 में कहानी दोहराई जाती है, नेपोलियन थर्ड भी अपने आप को वहां का किंग घोषित कर देता है और जनता देखती रह जाती है। लेकिन इसके बावजूद 1848 में जो स्पष्ट जो लिबरल जो रिवॉल्यूशन होता है फ्रांस में उसमें जो बदलाव फ्रांस में आता है उसी फ्रांस के एक आर्टिस्ट ने एक विजनरी सपना देखा, इमेजिन किया उसने, क्योंकि इसी रिवॉल्यूशन के द्वारा एब्सोल्यूटिस्ट रूलर्स को उखाड़ फेंका गया था और एक लिबरल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की स्थापना की गई थी। सपना देखा उसने कि किस प्रकार से अब एक नए जमाने में जो आने वाला है जमाना उसमें ये पुराने निरंकुश शासन की समाप्ति होगी और ये लिबरल डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सेटअप लोकप्रिय होता जाएगा। दैट्स व्हाई दिस वेरी फ्रेंच आर्टिस्ट नेम फ्रेडरिक सियरू प्रिपेयर्ड ए सीरीज ऑफ प्रिंट, 4 prints इन ए सीरीज, जिसमें उसने अपने सपनों को 4 prints उसने प्रस्तुत किए और उन चारों प्रिंट में वन आफ्टर अनदर उसने अपने इस सपने को जो दुनिया के बारे में उसने देखा कि अब ये बदलती दुनिया कैसी होगी, इस नए रूप नई दुनिया को अपने प्रिंट में जो उसने दिखाया उसमें फर्स्ट प्रिंट में उसने जो दिखाया पीपल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका, खास करके उस समय जो स्थिति थी तो एशियन और अफ्रीकन कंट्री जनरली सबड्यूड एंड दे वेयर रियली चेंज इनटू कॉलोनीज ऑफ यूरोप एंड अमेरिका। दैट्स व्हाई द पीपल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका वेयर प्रोमिनेंट इन वर्ल्ड एंड दे वेयर द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन एंड द ग्रेविटी। सो ही शोड दैट पीपल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका ऑफ ऑल एशियन क्लासेज इन अ लॉन्ग ट्रेन पासिंग बाई द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, यानी स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को सलाम करते हुए मार्च पास जिससे होता है सलाम करती है दुनिया भर के वे सारे लोग जो किसी भी वर्ग से हो किसी भी आयु से हो, खास करके यूरोप और अमेरिका के जो लोग एक है ना लंबे रैली नुआ वास्तव में यात्रा के दरमियान स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से गुजरते जा रहे हैं मार्च पास्ट करते जा रहे हैं उनको उसको सैल्यूट करते जा रहे हैं और इस प्रकार से उसने यह बताया कि किस तरह से अब लिबर्टी यानी कि लिबरल आइडियाज जो दुनिया में तेजी से जड़ें जमाती जा रही थी, पुरानी राजसत्ता के दिन जो लद गए थे और उनके सिद्धांतों और विश्वासों को लोग तिलांजलि दे चुके हैं, अब ये नए विश्वास जो हैं नई जो अवधारणाएं किस प्रकार लोगों ने उसको सैल्यूट करना शुरू कर दिया है, लोगों ने उसको अपनाना शुरू कर दिया, उसको अपना आइडियल मानना शुरू कर दिया है। इस तरह से जो स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी में अमेरिका में बनी थी उसमें लिबर्टी को कैसे एक जो है लेडी ग्रुप में एक कह सकते हैं ग्लैमरस और
ब्यूटीफुल लेडी के रूप में दिखाया गया है, एक देवी के रूप में वास्तव में दिखाया गया है, और यानी लिबर्टी को पर्सोनिफाई कर दिया गया है एक ग्लोरियस जो है लेडी के रूप में। इसकी शुरुआत फ्रेंच रिवॉल्यूशन में होती है जहां वास्तव में लॉ को पर्सोनिफाइड किया जाता है विंग्ड वुमेन के रूप में। बस यहां भी है ना, उसको उसी रूप में उसने दिखाया, लिबर्टी वाज शोड इन फॉर्म ऑफ ए लेडी। और वो लेडी है क्या, तो वास्तव में अपने हाथों में, एक हाथ में टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट यानी ज्ञान का प्रकाश, नया जो नई जो अवधारणा थी, नया जो ज्ञान था, नया जो आइडियाज था, नई जो नए जो आइडियाज थे लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी से रिलेटेड, और दूसरे हाथ में चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन, यहाँ एब्सोल्यूटिस्ट स्टेट में व्यक्ति के अधिकारों को कोई मान्यता नहीं थी, उसको कोई वास्तव में सैंक्शन, उसका कोई लीगल जो है वास्तव में अस्तित्व ही नहीं था। आज इस नए बदलते दौर में जहाँ नए आइडियाज आ रहे थे, लोगों के बीच लोकप्रिय हो रहे थे, इस नए जो है वास्तव में डेमोक्रेटिक वर्ल्ड में अब लोगों के अधिकार थे, लोग अधिकार संपन्न थे, दे हैड द कॉन्स्टिट्यूशनल पावर अगेंस्ट देयर स्टेट फॉर देयर सेफ्टी फॉर देयर वेलबींग एंड फॉर देयर प्रोटेक्शन एंड फॉर देयर सेल्फ डेवलपमेंट फॉर मेकिंग देयर पर्सनैलिटी डिग्निफाइड। तो बहुत ही बेहतर तरीके से एक विजनरी जो वास्तव में आइडिया प्रस्तुत किया अपने इन सीरीज ऑफ फोर प्रिंट्स में इस फ्रेडरिक सर्लियो में। इसके अलावा फिर इसके अदर एस्पेक्ट जो देखते हैं अगले स्लाइड में। नाउ वेरी वेरी ग्रेट विजनरी पर्सन फ्रेडरिक सर्लियो ड्रीम्ड दैट व्हाट विल बी द पॉलिटिकल एंड कल्चरल आइडेंटिटी ऑफ यूरोप। ही ऑल्सो फॉरसॉ अबाउट द फेट ऑफ द एब्सोल्यूटिस्ट, दैट मीन्स ही ऑल्सो ड्रीम्ड अबाउट द एंड ऑफ द एब्सोल्यूटिस्ट रूलर्स। जो निरंकुश शासक यूरोप में राज करते आ रहे थे सदियों से, उनके अंत का भी उसने स्वप्न देखा। उसने देखा कि कैसे ये धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। वास्तव इसका मतलब क्या था, इट मीन्स दैट नाउ द वर्ल्ड वाज एडवांसिंग टुवर्ड्स अ लिबरल डेमोक्रेटिक वर्ल्ड। उसके हिसाब से दुनिया जो पहले ऑटोक्रेटिक वर्ल्ड थे, एम्पेरियल एंड ऑटोक्रेटिक वर्ल्ड, अब वो बढ़ रही थी किस रूप में, एक ऐसे लिबरल डेमोक्रेटिक वर्ल्ड की ओर जहां एब्सोल्यूट मोनार्की हु यूज्ड टू रूल ऑन द लैंड बाय द डिक्री नाउ गॉट फिनिश्ड फॉर एवर। उसने वास्तव में यह बताया कि किस तरह से अब यूरोप और अमेरिका डेमोक्रेसी पर आधारित, जो कि लिबरल सिद्धांतों को समाहित किए हुए थे, बढ़ रहा है, एक नए परिवर्तन का दौर शुरू होने वाला है, जिसमें सारी दुनिया लिबरल जो है कंसेप्ट में विश्वास करते हुए पूरी तरह से डेमोक्रेटाइज हो जाएगी, जहां इन एब्सोल्यूटिस्ट रूलर्स का कोई स्थान नहीं होगा। जो निरंकुश शासन, जो वास्तव में रूल बाई डिग्री मानते थे क्या कि इस धरती पर हम ईश्वर के क्या है, स्पेशल दूत। दे रियली बिलीव्ड दैट दे आर द शैडो ऑफ द गॉड्स ऑफ द अर्थ एंड हियर दे आर टू रूल ऑन द अर्थ ऑन द सब्जेक्ट्स ऑफ द अर्थ। अब यह सिद्धांत समाप्त होने वाला था। ही फोरसा अबाउट सच ए ह्यूमन सोसाइटी which was unified in the name of nation, doing the best for its well-being. अब उसका सोचना था, उसने देखा, क्या देखा कि दुनिया जो है, अब दुनिया में रहने वाले जो लोग हैं, राष्ट्र नाम की नई अवधारणा और उसमें निहित सिद्धांतों से एकाकार हो चुके हैं, बंध चुके हैं,
अब नेशन में बिलीव करने वाले लोग हैं, होमोजेनस समाज, होमोजेनस जो है उनका कंसेप्ट है, और एथनिक रूप से यूनिफॉर्म जो उनकी आइडेंटिटी है उसमें बिलीव करने वाले जो लोग हैं वे अब अपने कल्याण के लिए, अपनी भलाई के लिए, अपने वेलबींग के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। यानी शासन का सूत्र, शासन की जो डोर है अब जनता के हाथ में आने वाली है, जहां सारी जनता एक ही कल्चर से, एक ही आइडेंटिटी से, एक ही शेयर्ड हिस्ट्री से बिलोंग करने वाली है। इसलिए दे बिलीव इन कंप्लीट यूनिफॉर्मिटी, और सामूहिक जो है उनकी जो पहचान बन चुकी है या बन जाने वाली है, अब उसके कारण आगे जो कुछ भी वो करेंगे वो अपने सामूहिक हित के लिए करेंगे, और उनका वो सामूहिक हित यानी एक का हित सबका हित होगा। नाउ दे वुड बी आइडेंटिफाइड देयर, अब ये जो नेशन की आइडेंटिटी में जो जुड़ चुके हैं लोग, से बंधे हुए जो लोग हैं, ये पहचाने जाएंगे वर्ल्ड कम्युनिटी में। तो किस रूप से पहचाने जाएंगे? अपने फ्लैग्स के, है ना, यानी कि फ्लैग्स के आधार पर हर नेशन का जो अपना डिस्टिंग्विश जो है, जो रिकॉग्निशन होगा, वो फ्लैग से डिफ्रेंशिएट होगा एक दूसरे से, या उनके नेशनल कॉस्ट्यूम से, उनका जो राष्ट्रीय पहनावा है। हर स्टेट के कुछ अपने अपने जो ढंग के पहनावे होते हैं, हर जगह के लोगों के कुछ अलग पहनावे जो कि एक दूसरे से काफ़ी डिस्टिंक्ट होते हैं, उससे वे जाने जाएंगे कि किस नेशन से बिलोंग करते हैं। और इस दौर में जो उसने दिखाया अपने डिफरेंट प्रिंट्स में, कैसे जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी से, है ना, ये पास करते हुए दुनिया भर के लोग जो है गुजर रहे हैं, डेमोक्रेटिक वर्ल्ड के जो कमिंग डेमोक्रेटिक वर्ल्ड के जो लोग हैं, इनका लीडर अगर है तो कौन है? यूएसए। इन हिज प्रिंट ही शोड दैट यूएसए एंड स्विट्जरलैंड वर द लीडर्स ऑफ दिस बिग चेंज इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स। दुनिया के राजनय में, दुनिया के पॉलिटिक्स में जो अब ये बदलाव हुआ था, उसका जो है वास्तव में लीडर जो था, लीड करने वाला, वो स्विट्जरलैंड था, क्योंकि तब तक ये वास्तव में डेमोक्रेटाइज हो चुका था। और विच वे आर फॉलोड बाई द अदर नेशंस, और इनके पीछे पीछे यूरोप के और दूसरे जो है देश थे जो उस समय एग्जिस्ट कर रहे थे 1848 में, है ना, पूरी तरह से अस्तित्व में थे, वैसे देशों में फ्रांस एंड अदर यूरोपियन लीडर्स नेशंस थे। लेकिन साथ ही साथ कुछ वैसे नेशंस के बारे में भी उसने सपना देखा, उसने इमेजिन किया, उसने पाया कि जर्मनी लाइक नेशंस विच डिड नॉट एग्जिस्ट इन 1848 इन यूरोप, यानी कि जो वर्ल्ड डेमोक्रेटाइज होने वाला है उसमें यूएसए और स्विट्जरलैंड जो लीडर हैं इस चेंज के, और इसके पीछे चलने वाले यूरोप के डिफरेंट जो है वो जो स्टेट है, वो ऑस्ट्रिया हो, फ्रांस हो, रशिया हो, ये सब के सब जो है जो देश है, इसके अलावा उन देशों को जो कि उस समय अस्तित्व में नहीं थे, उन राष्ट्रों को जो अस्तित्व में नहीं थे, उनके बारे में भी इस लॉन्ग ट्रेन में उसने इमेजिन किया, उनके ऐसे स्पेसिफिक पहचान के साथ, यानी उनके नेशनल फ्लैग के साथ, उनके नेशनल कॉस्ट्यूम के साथ, उनको अलग आइडेंटिटी दे दी, जो वास्तव में बाद में चलकर सत्य हुआ, और वैसे देशों, वैसे राष्ट्रों के बीच में जो है जर्मनी जैसे राष्ट्रों का, है ना, उसमें स्थान दिया उसे। इन हिज ओपिनियन दिस बिग चेंज हैड द ब्लेसिंग ऑफ हेवन आल्सो, ये जो बड़ा परिवर्तन होने वाला है उसमें फ्रेडिसोरियो के अनुसार ईश्वर का भी आशीर्वाद प्राप्त, यानी कि ईश्वर भी ये चेंज को, है ना, अपना आशीर्वाद दे रहा है, अपनी सहमति दे रहा है, क्योंकि धर्म और राज्य का जो संबंध रहा था हिस्टोरिकल जो यूरोप में, और उस समय तक यूरोप में, वो काफी गहरा था, इसलिए अपने इस कंसेप्ट को, इस ड्रीम को लोगों में अधिकाधिक लोकप्रिय बनाने और उसको एक बेहतर धरातल देने के लिए उसने धर्म को भी अपने इस ड्रीम से जोड़ा, ताकि लोगों में सहज रूप से यह मान्य हो जाए कि ये जो परिवर्तन हो रहा है ईश्वर की इच्छा से हो रहा है, ईश्वर का इसको ब्लेसिंग प्राप्त। इट वाज रियली द बिगिनिंग ऑफ नेशनलिज्म, सच में यही जो है राष्ट्रवाद का प्रारंभ है, ओरिजिनेशन है, शुरुआत है, विच वेरी सून ब्राउट अ सी चेंज इन यूरोपियन पॉलिटिक्स एंड फिलोसफी, और इस नेशनलिज्म ने जल्दी संपूर्ण यूरोप के राजनीति और दर्शन, यानी राजनीतिक दर्शन में व्यापक परिवर्तन कर दिया।
इस तरह से हम देखते हैं कि एक नए प्रकार का स्टेटहुड आता है फॉर्म में। पहले जो है इंपेरियलिस्टिक जो है डायनेस्टिक स्टेट थे, अब उसके स्थान पर नेशन स्टेट आ गए। नेशन तो एक कल्चरल कंसेप्ट था, आइडेंटिटी था, इसके लिए कोई एरिया यानी ज्योग्राफिकल एक पहचान होना कोई आवश्यक नहीं था। बट व्हेन दिस नेशन टच द शेप इन टू ए स्टेट, दैट मीन्स इट गेट्स ए टेरिटरी, इट टर्न इन टू नेशन स्टेट। राष्ट्र जब जो है राज्य के रूप में बदल जाता है तब यह राष्ट्र राज्य हो जाता है, और जिसमें टेरिटरी एक जो है आवश्यक तत्व तो है ना, एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ स्टेट इज टेरिटरी। दैट्स वाई वेन द कंसेप्ट ऑफ नेशन स्टेट डेवलप्ड, इट मीन्स दैट द वेरी कंसेप्ट ऑफ द नेशन वॉज ज्वाइंट टूगेदर विद द कंसेप्ट ऑफ अ स्टेट। अर्थात अगर इसको हम देखें तो द कंसेप्ट ऑफ नेशन स्टेट वेयर सिटीजन्स बिलीव, एक नेशन जो स्टेट आया उसमें जनता, सिटीजन्स जनता में, पहले के राज्य में जनता नहीं होती थी, पहले प्रजा होती थी, सब्जेक्ट्स हुआ करते थे। नाउ पीपल वेयर टर्न इन टू सिटीजन्स अंडर नेशन स्टेट। दैट्स वाई द कंसेप्ट ऑफ नेशन स्टेट वेयर सिटीजन्स बिलीव इन देयर कॉमन आइडेंटिटी एंड शेयर्ड हिस्ट्री became the source of inspiration in the development and spread of nationalism in Europe. यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास और उसके विस्तार में इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कॉमन आइडेंटिटी और शेयर्ड हिस्ट्री ने उसको काफी ऊर्जा प्रदान की, और इस तरह से बहुत जल्दी ही इस द वेरी कंसेप्ट ऑफ नेशन स्टेट काफी पॉपुलर हो गया, और समूचे यूरोप में वन आफ्टर अनदर इस प्रकार के नेशन स्टेट का फॉर्मेशन शुरू हो गया। नाउ इन प्लेस ऑफ मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर्स इन यूरोप, मॉडर्न स्टेट बिगन टू टेक शेप यूरोप में। अब मॉडर्न स्टेट यानी नए जमाने में जो स्टेट आने लगे अस्तित्व में, से जर्मनी आया है ना, बाकी गड्ढे सारे स्टेट आते हैं वन आफ्टर है ना, तो ये मॉडर्न स्टेट कहलाए। ये मॉडर्न स्टेट अब उनके स्थान पर थे जो पहले से ऐतिहासिक काल में मल्टी नेशनल डायनेस्टिक स्टेट थे। इसे एक ऑस्ट्रिया मान लो, सपोज दैट ऑस्ट्रिया में स्पेनिश नेशनलिटी के लोग भी थे, तो इटालियन भी थे, तो फिर जो है प्रशियन भी थे, तो फ्रेंच भी थे, तो ढेर सारे जो है इस प्रकार के रिटर इंपेरियलिस्टिक स्टेट थे, चाहे वो पवित्र रोमन साम्राज्य हो, चाहे वो ऑस्ट्रिया के हैब्सबर्ग, या फिर इवन में जो है हम कह सकते हैं कि ये साथ में ही बगल में ऑटोमन एम्पायर, सब के सब 25 वर्ष के डिफरेंट नेशनल यानी कि डिफरेंट नेशनलिटी के लोग जो है एक एम्पेरियलिस्टिक स्टेट के अंतर्गत जो है ना ऑल टुगेदर रहने के लिए विवश थे, और जिन पर जो रूल कर रहा था वो ऑटोक्रेटिक रूलर मोनार्क जो है रूल कर रहा था। इसके अंतर पर जो है एक मॉडर्न स्टेट आ गया अस्तित्व में, और ये मॉडर्न स्टेट जो है वो बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नेशन स्टेट। मॉडर्न स्टेट वॉज आइडेंटिफाइड इन द फॉर्म ऑफ स्टेट सेंट्रलाइज्ड पावर एक्सरसाइज सोवरेन सेंट्रल सोवरेन कंट्रोल ओवर अ क्लियरली डिफाइंड टेरिटरी। दैट मीन्स ये मॉडर्न स्टेट जो थी एक खास निश्चित परिसीमा में, एक खास परिक्षेत्र में, एक खास इलाके में, जिस पर उस पर उसका उसकी अंतिम सत्ता स्थापित होती थी, और इसमें एक होमोजेनस सोसाइटी रहती थी जो नेशन के रूप में ऑलरेडी ऑर्गेनाइज थी, वह अस्तित्व में आई यानी मॉडर्न स्टेट वास्तव में एक नेशन स्टेट था। इसमें एक नेशन के लोग अपने कॉमन वेलबींग के लिए एक दूसरे के साथ स्ट्रांग बॉन्ड से जुड़े हुए थे, एंड दे वे आर यूर रेडी टू डू गुड फॉर देयर वेलबींग, एंड इवन यू आर रेडी टू सेक्रीफाइस देमसेल्व्स फॉर द काउज एंड कंसर्न ऑफ द नेशन। नाउ द वेरी आइडिया ऑफ द ओरिजिनेशन ऑफ द नेशनलिज्म इन यूरोप, द वेरी कंसेप्ट ऑफ
द ओरिजिनेशन ऑफ द नेशनलिज्म इन यूरोप इज नाउ फिनिश्ड। आप इसके जो दूसरे जो तत्व हैं, जो खास करके हमें स्पेशलाइज रूप से में अपने करिकुलम में दिया गया हम लोग को पढ़ने के लिए क्लास 10 में, उसको अगले वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। आज का जो है ये इंट्रोडक्टरी ऑफ दिस चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म फिनिश होता है। तब तक आप इंतजार करें जब तक हम इसकी दूसरी कड़ी के रूप में आपके सामने लेकर रही उपस्थित होते हैं। थैंक यू।